ताईचा खर म्हणजे साहेबांचा त्याग आहे आणि ताईचा त्यागावर मन बनले असं बोलिंग जिल्हा पण एकता सहकार विकास पैनल और बाकी जो दूसरा पैनल खड़े वाला है, लेकिन एकता सहकार विकास पैनल की ओर से 7 जन विनिरोध आए निवड़ के आए वाले हैं। और जो 7 जन का निवड़ूक है उसमें सहकार विकास पैनल के पैनल प्रमुख अपने महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री भूमरे साहब, अपने कांग्रेस जिला अध्यक्ष तथा माजी आमदार डॉक्टर कल्याणराव जी काळे साहब, महाराष्ट्र के राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब और हरिभाऊ जी बागड़े नाना, माजी विधानसभा के अध्यक्ष, ये सब जगन्नाथ सेठ काळे, अंबादास दानवे साहब, ये सब पैनल के प्रमुख है। इनके नेतृत्व में ये दूध संघ का पैनल का आज जो चुनाव होने जा रहा है, इसमें 7 जन विनिरोध आए वाले हैं। और जो 7 जन हैं, बागड़े हरिभाऊ किशन राव, राजपूत गोकुल सिंह तोताराम, भोर से संदीप दलोतराव, डीके कचरू मोहन भाऊ, कोळगे शिलाताई काका साहेब, पाटिल अलकाभाई रमेश डोनगावकर, ये सब उम्मीदवार है। और हम सब ने कांग्रेस पार्टी के इस तालुके का जो कल्याणराव जी काळे साहब, उनके नेतृत्व में हमने पूरी ताकत लगाई वाली है। और हमारे को पूरी मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि हमारे सब सीटा बहुत मत से चुन के आएंगे ऐसा लगता है। और पूरी आशा है कि कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं ने, फिर वो भाजपा के हो, शिवसेना के हो या राष्ट्रवादी के हो, सब पक्ष के कार्यकर्ताओं ने कड़ी मेहनत की हो और उनकी मेहनत का नतीजा कल निकाले, तो हमारे को लगता है हमारा पैनल बहुत मत से जीत जाएगा। सर आपका नाम बोलिए। मेरा नाम विठल कोरडे, मैं फुलंब्री विधानसभा युवक कांग्रेस का अध्यक्ष। जिल्हा दूध संघाच्या मतदान पूर्वी या जिल्हा दूध संघामध्ये महाराष्ट्र राज्य विधानसभेचे माजी अध्यक्ष तथा फुलंब्री मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार बागडे नाना यांच्या नेतृत्वाखाली 10 वर्षापासून या जिल्हा दूध संघाची घोडदौड सुरू आहे। परंतु या ठिकाणी सर्व शेतकरी बांधव असेल, सर्व पक्षीय नेते असतील, यांनी हा दूध संघ बिनविरोध व्हावा यासाठी सगळ्यांनी प्रयत्न केले होते। परंतु त्याच्यात अपवाद वगळता 7 जागा बिनविरोध आल्या आणि 7 जागेसाठी आज निवडणूक प्रक्रिया पार पडत आहे। आणि या ठिकाणी आत्ताच औरंगाबाद तालुक्याच्या बूथवर शेवटचं मतदान या ठिकाणी झालेलं आहे। म्हणून पुन्हा असं लक्षात येतं की या औरंगाबाद जिल्ह्यातील सर्व दूध उत्पादकांनी पुन्हा या विद्यमान अध्यक्ष दूध संघाचे बागडे नाना यांच्यावर पुन्हा विश्वास संपादन करतील अशी 100% अपेक्षा सगळ्यांना आहे। याची उद्या मतमोजणी आहे, नक्कीच पुन्हा नानाच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी पूर्ण 7 च्या 7 जण या ठिकाणी पूर्ण मताने निवडून येतील, चांगल्या मताने निवडून येतील। आणि पूर्वीचे 7 बिनविरोध आलेले आहेत, परंतु या ठिकाणी प्रामुख्यानं ज्या उमेदवार होते ज्यांनी माघार घेतली त्यांचं या ठिकाणी अभिनंदन, त्यांनी मनाचं मोठेपणा ठेवून या ठिकाणी निवडणूक प्रक्रियेतून माघार घेतली आहे। फक्त 7 जागेसाठी या ठिकाणी मतदान झालं, म्हणून पुन्हा पॅनलच्या वतीनं आणि एक दूध उत्पादक संस्थेत एक चेअरमन या नात्यानं पुन्हा सर्व मतदाराचे सभासदाचे मी आभार व्यक्त करतो आणि पुन्हा सर्व पक्षाचे नेत्याचे आभार व्यक्त करतो। धन्यवाद। किती वाजता मतमोजणी आहे? काल सकाळी, उद्या 8 वाजता सुरू होईल मतमोजणी, साधारण 11 वाजेपर्यंत निकाल येतील सगळे 100%। इरादा किसन पठाडे, चेअरमन दूध उत्पादक संस्था वरजडी।
जिला दूध संघ का जो है तो आज इलेक्शन है, तो इसे आप कैसा देखते हैं सर? आज जो जिला दूध उत्पादक संघ का इलेक्शन हो रहा है, इसमें माननीय संदीपान जी भूमरे साहब इनके साथ में नेतृत्व में राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष कल्याण काले साहब और फुलमरी विधानसभा के आमदार हरिभोजी बागड़े नाना, इनके नेतृत्व में, इनको चारों के नेतृत्व में जो इलेक्शन होने जा रहा है, आज जो मतदान हुआ, यह औरंगाबाद पे 62 मतों की वोटिंग थी, इनमें से 60 मतदान अभी तक हुए और 60 मतदान होने के बाद में यहाँ पे जो मतदान हुए वो सब मतदान एकता विकास पैनल को होने का चांसेस है और पूरी तरह से चारों पार्टियों ने भी ये पैनल का जोरदार काम किया है, इसकी वजह से इनका कल जो रिजल्ट है वो आज ही डिक्लेयर हुआ है ऐसा हमको लगता है। गजानन मते, पंचायत समिति मेंबर औरंगाबाद। आज महानंद दूध डेअरीच्या मतदानाची शेवटच्या अंतिम टप्प्यामध्ये एकता विकास पॅनलच्या दूध डेअरीच्या निवडणुकीचं मतदान, शेवटचं मतदान आता झालेलं आहे। उद्या सकाळी 10 वाजेला या निवडणुकीचा निकाल लागणार आहे। खरं तर आदरणीय महाराष्ट्र राज्याचे माजी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय हरिभुनाना बागडे यांच्या नेतृत्वामध्ये मागच्या 5 वर्षामध्ये दूध डेअरी दूध महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्याला दरवाढ असेल, दूध महासंघाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जो काही फायदा असेल, नानांच्या नेतृत्वामध्ये नक्कीच 5 वर्षाच्या कार्यकाळामध्ये या दूध महासंघाला न्याय देण्याचं काम आदरणीय नानांना केलेलं आहे। आणि या 7 ठिकाणी बिनविरोध निवडणूक झाली आणि 7 ठिकाणी मतदान आज या ठिकाणी आज पार पडलेलं आहे। खरं तर उद्या फक्त औपचारिकता बाकी आहे। नाना प्रचंड मताधिक्याने नानांच्या नेतृत्वामध्ये संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पैठण असेल, वैजापूर असेल, गंगापूर असेल, सिल्लोड, सोयगाव, कन्नड या सर्व तालुक्यामध्ये मतदान आता पूर्ण पार पाडलेलं आहे। आणि नक्कीच मला असं वाटतं उद्या नानांच्या नेतृत्वामध्ये नाना प्रचंड मताधिक्याने निवडून येणार आहे आणि यामुळे नानांच्या नेतृत्वात पुन्हा 5 वर्षामध्ये या तो दूध महासंघाच्या माध्यमातून या शेतकऱ्यांचा विकास होईल, मी अशी अपेक्षा व्यक्त करतो। धन्यवाद। जो तो इलेक्शन होने जा रहा है तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औरंगाबाद जिला दूध संघ का जो इलेक्शन का मतदान आज हुआ है, अभी तक औरंगाबाद बूथ पे औरंगाबाद तालुके के जो 62 वोट है तो वो पूरे का पूरा मतदान अभी यहाँ 100% हो चुका है और जिला दूध संघ के तालुक से जैसा बताया गया है कि कैबिनेट मिनिस्टर भूमरे साहब, दूसरे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, जिला कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर कल्याण काले जी और साथ में बीजेपी के हरिभाऊ जी बागड़े नाना और पूरे जिला दूध संघ का हित देखते हुए शेतकरियों की संस्था के लिए पूरे जिले से जो सबने मिलके जो तय किया कि ये यहाँ का इलेक्शन बिनविरोध होना चाहिए, जिसके लिए बागड़े साहब ने डॉक्टर काले साहब को फ़ोन करके बताया कि भाई इस तरह का संस्था का हित देखते हुए सबने मिलके इस तरह का काम करना चाहिए और सभी का वो देखते हुए ये इलेक्शन जो है बिनविरोध की ओर हो गया था लगभग, लेकिन कुछ फॉर्म टेक्निकल या कुछ कारणवश रह गए, इसलिए आज इलेक्शन का मतदान का हुआ और मतदान होते समय पूरे जिले से जो स्थिति समझ में आ रही है, एकता विकास पैनल को अच्छी तरह से मतदान हो गया है और पूरे के पूरे सीट एकता विकास पैनल के भारी वोटों से चुन के आ जाएंगे और इसके लिए पूरे मतदारों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने जो जिले का एक संस्था के प्रति सभी पार्टियों ने जो तय किया उसके लिए सहभाग दिया और उसका अच्छा समर्थन किया। धन्यवाद। मैं जगन्नाथ काले, सभापति कृषि उत्पन्न बाजार समिति औरंगाबाद। ठीक है।